ग्रुप है उनसे भी तवज्जो, क्योंकि दौलत की भूख थी तो कमाने निकल गए, दौलत की भूख थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, और बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। ओ सूखा है तुम्हें क्या मालूम, खून हालात ने चूसा है तुम्हें क्या मालूम, और लड़खड़ाते हुए कदमों की तरफ मत देखो, वो शराबी नहीं भूखा है तुम्हें क्या मालूम, लड़खड़ाते हुए कदमों की तरफ मत देखो, वो शराबी नहीं भूखा है तुम्हें क्या मालूम, क्योंकि बर्बाद कर दिया उसे उसके गुरूर ने। रिजवान बलवान साहब, जावेद भाई, के बर्बाद कर दिया उसे उसके गुरूर ने, सर से मगर गुरूर का बादल नहीं गया, और कुछ भी ना आया फर्क दिया रख रखाव में, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। इंसानियत का फर्ज, इंसानियत का फर्ज निभाना पड़ा मुझे, इंसानियत का फर्ज निभाना पड़ा मुझे, दुश्मन अरे दुश्मन को भी गले से, दुश्मन को भी गले से लगाना पड़ा मुझे, दुश्मन को भी गले दुश्मन को भी गले से लगाना पड़ा मुझे। इंसानियत का फर्ज निभाना पड़ा मुझे, दुश्मन को भी गले से। सागर साहब, ये गजल ही मैं सलीम सागर की पढ़ रहा हूँ। अरे दुश्मन को भी गले से लगाना पड़ा मुझे,
इंसानियत का फर्ज निभाना पड़ा मुझे, दुश्मन को भी गले से लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि चाहत में यू भी करके दिखाना पड़ा। चाहत में यू भी करके दिखाना पड़ा मुझे, चाहत में यू भी करके दिखाना पड़ा मुझे। एक बेवफा का साथ, एक बेवफा का साथ निभाना पड़ा मुझे, एक बेवफा का साथ सी से घर का बुरा हाल इस शम्मू भाई था मुफलिसी से घर का बुरा हाल इसलिए, तो फिर घर परदेश था मुफलिसी के घर का बुरा हाल इसलिए, तो इसीलिए परदेश परदेश माँ को छोड़ के, परदेश माँ को छोड़ के जाना पड़ा मुझे, परदेश माँ को छोड़ के जाना पड़ा मुझे, क्योंकि प्यार से मीठा कोई बोल हो नहीं सकता, जैसे खुशबू का कोई तोल हो नहीं सकता, तख्त और ताज की हो सकती है कीमत, लेकिन माँ की ममता का कोई मोल हो नहीं सकता। जमीर बेच के मकार से नहीं मिलता, और गरीब हो के भी सरदार से नहीं मिलता, जो हो सके तो इसे तुम संभाल कर रखना, ये माँ का प्यार है बाजार से नहीं मिलता, ये माँ का प्यार है बाजार से नहीं मिलता, ये माँ का प्यार है बाजार से हाँ। हमारे शहीद भाई और कालू भाई उर्फ जाकिर भाई उर्फ कालू दादा और हमारे मुबारक भाई भी आकुट से आए हैं, उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। और शेर देखिए, उसमें दोबारा जमीर बेच के मकार से नहीं मिलता, और गरीब होके भी शम्मू भाई गरीब हो के भी जरदार से नहीं मिलता, जो हो सके तो इसे तुम संभाल कर रखना, ये माँ का प्यार है बाजार से नहीं मिलता, ये माँ का प्यार है बाजार से नहीं मिलता। लेकिन अफरोज कहते हैं अखलाक,
उसमें अल्लाह ने कुछ ऐसी अदा रखी थी और माँ माँ होती है। जलील भाई शेर देखना, चार मिसरे क्या बात कही थी, अपनो रखला गई। उसमें अल्लाह ने कुछ ऐसी अदा रखी थी और लाज गुरबत की सलीके से बचा रखी थी। घर के फाकों की ना औरों को खबर हो जाए, मान चूल्हे में यूं ही आग जला रखी थी। मान चूल्हे में यूं ही आग जला रखी थी। परदेश माँ को छोड़ के जाना पड़ा मुझे। अफरोज भाई का अफरोज देखिए, मैं उनका प्यार पाने में नाकाम हो गया। तन्हाई को गले से लगाना पड़ा मुझे। रुक जाओ भाई। शेर ऐसा कह दिए पहलवान, ये मेरे अभी हालात है। हाँ अफरोज अखलाक पहलवान, शेर देखिए। अभी मेरी बेटी 15 दिन से बहुत बीमार थी, बैठी है, मैंने दरबार में लेकर आया यहाँ। तो बड़ा अच्छा शेर कह दिए भाई ने, मौजू है, पैसा काम नहीं आता, दुआओं का काम था। देखिए, बेटी मेरे नसीब में बस एक तू, एक ही बेटी मेरे नसीब में बस एक है, मगर उसको भी जान दे कर, उसको भी जान दे कर बच
जाना कुर्बानी देना है उसके शेर उसको भी जान दे के उसको भी जान दे के पचाना पड़ा मुझे रजा साहब ये मजमुआ गजल है। हालांकि मजमुआ हो गई, ये मुकम्मल सलीम सागर की गजल थी। सागर साहब रखी रखनी थी मुझको तेरी जलील भाई वफाओं की आबरू आंखों में अपने अश्क आंखों में अपने अश्क छुपाना पड़ा मेरे बहुत अजीज मास्टर नसीम नवाज साहब, उनका शेर देखिए, उन्होंने भी भेजे है। वो बेवफा था छोड़ के रहीम साहब, ये चार मिसरे भाई के लिए के सबसे मिलता हूँ, मुस्कुराता हूँ, दिल किसी का नहीं दुखाता हूँ, दोस्तों में तो जिक्र होता है, दुश्मनों को भी याद आता हूँ। दोस्तों में तो जिक्र होता है, दुश्मनों को याद आता हूँ, लेकिन भाई पहलवान रिजवान पहलवान के सुकनवर हूँ, यह ऐसे मौजू शेर पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है कि सुकनवर हूँ, सुकन फहमी की लज्जत बांट देता हूँ। आज सल्लू भाई कोई पैर में तकलीफ है क्या कि सुकनवर हूँ, सुकन फहमी की लज्जत बांट देता हूँ,
मैं शीशे को भी पत्थर की नजाकत और इसी फितरत से मैं पहचाना जाता हूँ जमाने में, मैं नफरत भूल जाता हूँ मोहब्बत बांट देता हूँ। मुझको चला गया सारे खुतूत उसके, सारे खुतूत उसके। ये मिश्रा अचलपुर बात करता है यार शायरी। मैंने यही तो बोला इल्म अदब का गहवार है बेशक। तो सारे सारे खुतूत उसके जलाना जलाना पड़ा मुझे।